और मैं भैया जी से निवेदन करना चाहूंगी, दो शब्द कुछ आकर के कहें जो हमारे बीच में श्रोतागण बैठे हुए हैं, उनको आकर के कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज की मंच पर उपस्थित कथावाचक शास्त्री जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहनें, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कमलेश पहलवान जी का और उनके पूरे परिवार का, बाबूजी का, जो आज के इस कार्यक्रम में हमें यहाँ पर बुलाकर और इतना सम्मान देने का जो आपने काम किया, और उसके साथ साथ आज ही नहीं बल्कि पूर्व में भी, चाहे माननीय शिवपाल सिंह जी रहे हों, कोई भी कार्यक्रम हम लोगों का होता है, अगर हम लोग यहाँ से निकल के औरैया या कानपुर सिकंदरा भी जा रहे होते हैं, अगर भाई कमलेश को पता लग जाता है तो हर बार हम लोगों के स्वागत के लिए पूरी टीम और अपने गांव के सभी लोगों को लेकर हम लोगों का स्वागत और सम्मान जो आपने दिया है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने नेता, अपने पिता माननीय शिवपाल सिंह जी की तरफ से, जो कि उनको भी यहाँ उपस्थित होना था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो लखनऊ हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आए, लेकिन हमें खुशी इस बात की होती है कि जहाँ जहाँ हमारे पिताजी नहीं जा पाते वहाँ वहाँ मुझे जाने का मौका मिल जाता है, आप लोग के बीच आने का मौका मिल जाता है, जानने का मौका मिल जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं मंच को प्रणाम करते हुए यहाँ बैठे हमारी सभी सम्मानित माताएं बहनों को और सभी सम्मानित बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूँ कि जो ये लड़ाई, समाजवादियों की लड़ाई हम लोगों ने, जो नेताजी ने शुरू की, उस लड़ाई को फिर माननीय शिवपाल सिंह जी ने आगे बढ़ाया और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। इस लड़ाई में जो सहयोग आप लोगों की तरफ से मिला है, इसके बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। सभी समाज को एक साथ लेके चलने की बात हम लोग करते हैं, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ ले जाने की हम बात करते हैं, नौजवानों को रोजगार देने की बात हम करते हैं, और आज ऐसा समय है जहां सरकार निश्चित बनी तो है बहुमत से, लेकिन वो जनता की और उन बच्चों की बात नहीं करती जो आने वाला भविष्य इस देश का, इस प्रदेश का है। तो मैं इस मंच के माध्यम से इतनी ही बात कहूंगा कि ये लड़ाई बहुत समय से हमने आपने लड़ी है और आने वाले समय में, भविष्य में भी हमें आपको लड़नी है, तो इसमें अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद इसी तरह हम लोगों के लिए बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस कथा पंडाल में जो उपस्थित भैया जी आए हुए हैं, मैं पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री जो कथा मालिक जी, श्री बेंचीलाल यादव जी, इनके पूरे परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और मुझे समाजवादी पार्टी से बड़ा ही लगाव है, और जो हम चुनाव हारे हैं, ये हम चुनाव हारे नहीं है, जानबूझ के हराया गया है। मैंने मेरी मैनपुरी में, जबकि मेरा वोट होना चाहिए, मेरा वोट ही नहीं, मेरे पूरे परिवार में एक वोट और किसी का वोट ही नहीं, तो हम तो समझते हैं कि ये जो चुनाव हम हारे हैं, ये हारे नहीं बल्कि हराया गया है। और जितना विकास समाजवादी पार्टी में, जितना विकास समाजवादी सरकार में हुआ, हमारी समझ से इतना विकास
किसी सरकार में नहीं होगा। ये जो सरकार चल रही है इसमें आप देखते होंगे दवाई को दवाया जाता है और उठाई को उठाया जाता है। वैसे हमारे मुंह से ये शब्द अच्छे तो नहीं लगते हैं लेकिन मैं कह देती हूँ। कभी कभी लोग इस पर टिप्पणी करने लगते हैं, तुम तो धार्मिक चीज कह रही हो तो आपको नेता नगरी से क्या मतलब है। भाई हम नेता बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि क्या बुरा और क्या अच्छा है इस चीज को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं तो बहुत बहुत दूर तक चली जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि दवाई को दवाया जाता है और उठाई को उठाया जाता है। इस सरकार में ऐसा हो रहा है लेकिन अत्याचार कब तक होगा, कब तक हम लोग सहन करेंगे, कब तक ऐसी सरकार चलेगी, कब तक गरीबों को सताया जाएगा, कब तक दवाई को दबाया जाएगा, कब तक उठाई को उठाया जाएगा। एक ना एक दिन अंत तो आता ही है। जब रावण जैसे अभिमानी का अभिमान टूट गया तो आजकल के अभिमानियों का भी अभिमान टूटने में देरी नहीं है। कहा जाता है कि यादवा और शेर अकेला